कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच एक वचन है कि जेड़ा आप नाम अमृत नूं खांदा है छकदा है वो ही अगे खर्च सकदा है। इस बेनती नूं फिर सरवण करियो। आम तौर ते असीं कहिंदे आ खर्चा होवेगा ते कुछ खाएगा, पर इत्थे उल्टी खेड है। इत्थे सच इह वे जिहड़ा खांदा है वह ही खर्चदा है। फिर अर सुनियो पाठ आप सारे रोज करदे, दुनिया विच खर्चा होवे तां खादा जांदा है, पर गुरमत विच चेते रखो खादा होवे ते तां खर्चिया जांदा है। बड़े सरल जे शब्द ने कि जिस दी जेब विच खर्चा है ओ ही बाहर निकल के कुछ खा सकदा है, ते ओ खादा होया खर्चा मुक भी जांदा है, पर शब्द दी कमाई ऐसी है गुरमुखो जिन्हें आप गुरबाणी शब्द नूं छकिया है वह जिथे भी जाएगा जिन्ना भी खर्चेगा ते जिन्ना ते खर्चेगा उन्हूं दून सवाई होर तरक्की मिली जाएगी। सतगुरु जी का अमृत बचन भावें वह गुरु ग्रंथ साहब जी नाल संबंधित है, वह शब्द है खम धनवंत भागट सच नाए। असी तनाड़ हाँ, असी अमीर हो गए हैं क्योंकि पार ब्रह्म परमेश्वर वाहगुरु जी का सच्चा नाम वो साढ़े कोल है। खम धनवंत भागत सजनाए खरगुण गावें सहज सुपाए। सहज अवस्था विच टिक के प्रेम दे सहित हरगुण गावें सहज सुभाए प्यू दादे का खोल डिठा खजाना। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन भया निदाना। फिर इस बेनती नूं सुणियो, आप सारे शब्द नाल पढ़ रहे हो। एक है प्यो दादे दा खजाना देखिया है, खोल के देखे। प्यारे याद रखियो खजाना फिर भी देखन दे बावजूद वखरा ही रहिंदा है। मान लो कि हीरिया की खान मिल जाए वो मेरे जिस्म दे विच तां प्रवेश नहीं कर सकती ना। मैं अपनी जेब विच तां हीरे पा सकना, मैं अपनी जेब विच पैसे पा सकना, पर इस जिस्म दे अंदर नहीं जा सकते। पर हजूर कहिंदे ने जदों अपने पूर्वजां दा खजाना खोल के देखिया जिहड़ा खजाना बाहर सी ओही खजाना मेरे अंदर आ गया। फिर बेनती है हम धनवंत भागत सचनाए हर गुण गावें सह सुभाए प्यो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन भया निदाना। गुरमुखो मन विचो खजाना आ गया। फिर महाराज कहते रतन लाल जाका कछु ना मोल भरे पंगा भंडार अखूट तोल। अगे गुरु साहब ने यह नहीं कहा कि पहला खर्चा पैदा करो ता खाओगे, कह लगे खावें खर्चा रल मिल भाई तोट ना आवे वध हो जाए। कि जेड़ा गुरबाणी नूं छकदा है सच्ची मुची ओही खर्चदा है। फिर इस नूं जिन्हें आप शब्द कमाया है खर्चन की ताकत भी ओहदे कोल है, जिन्हें आप शब्द छकिया नहीं प्यारे कदी खर्च भी नहीं सकता। खावें खर्चें रल मिल भाई तोट ना आवे वध हो जाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लया रलाए। फिर बेनती एक बचन असी होर पढ़ने, शलोक वारा ते वधीक विच है कि तिचर मूल ना थुड़ी दो जिचर अपाप किरपाल शब्द अखुट बाबा नानका। उत्थे भी खर्च शब्द बाद विच खाए पहले है। फिर सुनियो खावें खर्चा रल मिल भाई खाण वाला ही खर्चेगा, ते गुरमुखो जिन्ना कोई बाणी नूं छक लेगा उन्नी वध खर्चेगा। सच है जी जिन्ना कोई आप शब्द नूं कमाएगा उन्ना वध उह शब्द नूं प्रचारेगा, क्योंकि कमाण तो बिना शब्द प्रचारिया नहीं जा सकता। महाराज कह रहे ने तिचर मूल ना थुड़ी दो जिचर आप किरपाल शब्द अखुट बाबा नानका खाए खर्च धन माह। जिहड़ा इस नूं खांदा है इसे नूं सतगुरु गुरु रामदास जी ने होर सौखे तरीके नाल दस दिता। मैं फिर अर्ज करां खांदा ही खर्चदा है, जपदा ही जपांदा है। खाएगा ते खर्चेगा, जपेगा ते जपाएगा, उंज तां सारी दुनिया कह रही है सतनाम वाहिगुरु। इसे नूं गुरु रामदास जी ने बख्शिश की जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की जो आप जपै।
आप जपै खाए आप, फिर जपावै खर्चे, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसे की, जो आप जपै अवरै नाम जपावै। जिहड़ा आप नाम जपेगा ते अवरां नूं दूसरिआं नूं जपाएगा। मैं पिछले सालां च वी बेनती करदा रहा कि सतमां सत्कारयोग बाबा अतर सिंह जी, उन्हां दी शख्सियत भाई साहिब भाई जसबीर सिंह जी खालसा जी पंथ रतन गुरमुखो, ये शख्सियत इनू किसी झूठी बटरिंग जां सिफत वल ना लै जाओ, सच ये जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावे, जिन्हें सतगुरु नूं पूजिया है उन्हों दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, ओदी पूजा होनी ही होनी है। जिसका अंतर बस है निरंकार तिसकी सीख तरह संसार। मैं पिछले साल बेनती करके गया कि इस दुनिया च हर चीज चलाए मान है, क्योंकि आप जो इस सिमरती च बैठे हाँ, जेडे जिसम साडे कोल ने ये जिसम कल नूं नहीं रहने, सिद्धी जी गल जो जमया है उन्हें मरना ही है, इस कोई शक नहीं। एक बार दास ने भी बेनती की पिछले दिन कि गुरु ग्रंथ साहब मुताबक मौत भी चार तरह की है। फिर अर्ज है, एक मौत है जिहड़ा उहदा अटल कानून है, जो उपजो सो बिनस कह परो आज कह काल। इनू आपां बाणी च इउं कह सकते हैं, जो जन्मे सो जानो मुआ, जिहड़ा जमया है वह मरेगा। दूसरी मौत फिजिकल तौर पर बंदा जिउंदा है, जो जन्मे सो जानू मुवे सब ते लागू हुंदा, क्योंकि रहन ना पावे सुर नर देरा ऊड़ सुधारे कर मुंजन सेवा, ये सारे जानगे। पर दूजी मौत वो है बंदे दे सवास चलदे आ, खांदा पींदा पहनदा सब कुछ करदा है, पर जिहदे खिरदे विच्चों सतनाम वाहिगुरु दा वास नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने उहदी गिनती मुरदियां दे विच है। एक मौत इह वी है जिहनूं सतगुरां ने बाणी च कहा, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिया नानका जै प्रीत नहीं भगवंत, उन्हूं भी मृतक कहा। तीसरी बेनती है, एक ओ गुरमुख ने यह खडूर साहब भी अर्ज करके असहद की, एक ओ ने जेडे साडी तरह जींदे ने, दुख सुख भी हंडांदे ने, पर गुरमुखो ओ जिउंदे जी शब्द विच मर जांदे ने। जिहड़े शब्द विच मर जांदे आ फिजिकल तौर ते जान दे बावजूद ही कदी मरदे नहीं हुंदे। फिर अर्ज है, उन्हां दा वखरा जीवन है। आसी जिहड़ा बचन गुरु ग्रंथ साहिब विच दो वारी पढ़ने आ ना जी, दो वारी सलोक हुंदा है। एक हुंदा कबीर मरता मरता जग मुवा, मर पी ना जाने कोई। दूजी वार हुंदा मर पी ना जाने कोई, पाठ भेज दे जी। कबीर मरता मरता जग मुवा, मर पी ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बोहर ना मरना होए। जिहड़ा इहो जी मौत मरदा उहनूं दुबारा नहीं मरना पैंदा। फिर अर्ज है, जिन्हां दा आपां जिक्र कर रहे हैं दो महान शख्सियतां दा, अगे गुरु अमरदास जी कहिंदे ने, क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना विसरै तां सहला मरना होए। फिर अर्ज है भी साहिब मनो ना विसरै, अगे फिर मरन की होर गल करदे आ, मरने ते जगत डरे जीविया लोड़े सब कोए, हर बंदा मौत तो त्रिंदा है, हर एक दी इच्छा है मैं सदा ली जीवा, मरने ते जगत डरे जीविया लोड़े सब कोए, गुर प्रसादी जीवत मरे। महाराज कहने हुक्मै बूझै सोए, नानक ऐसी मरनी जो मरे तां सद जीवन होए। मेरी अर्ज है, जेड़े शब्द विच अपने आप नूं मार देंदे वो सदीव काल लई जींदे, सच्ची मुची वह फिजिकल तौर पर भी जिउंदे जदों मर जांदे ने। अखी बाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजो चलना बिन हत्थां करना, जीभ बाजो बोलना इउं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै तौ खसमै मिलना। फिर इत्थे मैं थोड़ी जी अर्ज करांगा, बंदगी करन वाली बैठियां रूहां, अखां तो बिना की वेखना है। गुरु शब्द कहिंदे ने अखां तो बिना देखिया नहीं जांदा, बिन नेत्रा कहां को पेख है, पर गुरु साहिब जी नाल कह रहे ने अखां तो बिना वेखदे ने, कन्नां तो बिना सुनदे ने, गुरमुखो हत्थां तो पैरां काम करदे ने, पैरां तो बिना तुरदे ने, जीभ तो बिना बोलदे ने, वो सच्ची मुची जिउंदे जी मरे हुए ने, शब्द च मरे ने जी।
जिन्नी को गुरमुख प्यारे आत्मा अभ्यासी दसते सन टीकाकार अर्थ ही करते ने कि उन्होंने नेत्र प्राय रूप वालों खट जाते हैं, उन्होंने कन प्राय निंदा वालों खट जाते हैं, वह बुरे रस्ते ते नहीं चलते, बुरा कर्म नहीं करते। नहीं प्यारो, बार मुखी अर्थ दुरुस्त ने पर अंतरीव अर्थ ने कि सच्ची मुची अखा तो बिना उन्होंने चलकारे मिलते हैं। जिन्हां दे नेत्र शुरू तो नहीं सन वह भी अज भी ब्रह्म ज्ञानी ने, जिन्हां दी अखा की जोत नहीं, इतों तक कई बार असीं कहिंदे अखा तो बिना किवें देख सकने। प्यारो, रात नूं सुपने सौंदे आ, साडियां अखा कोई खुलियां ने, जिन्हों जोग निंद्रा कहा जाता है जोगियों में, अखा उन्हां दीआं बिल्कुल बंद ने, अखा मीटियां ने, पर सवेरे उठ के कहने मैनूं सुपने च आ कोई दिसिया, वह की चीज दिस गई जी, अखा तो बंद सन। इहदा मतलब भावे वह सुपने रूप च आया, बार मुखी अखा नहीं काम कर रही, पर अंदर दे तल ते वह अखा तो बिना देख रहे ने। प्यारे, अध्यात्मक अवस्था विच पहुंचे गुरमुख प्यारे बाहर दीआं अखां नाल नहीं, वह नेत्र बंद करके भी अपने अंदरों अपने महबूब नूं देख ले। सतगुरु की बाणी च इक वचन है, नीचे लोयन कर रहूं ले साजन कट माहे, सब रस खेलू पीसु किसू लखावो नाहे, नानक से अखड़ियां बयान जिनी डिसंदो माँ पिरी। वह अखां होर ने, फिर अर्ज है उंज तां जो कुछ असी अखां नाल देखिया हुंदा है वो असी सिमरन विच भी कई बार देखने हैं, नेत्र बंद किए होंगे आ, कई दुनिया तो जिहड़े जा चुके ने असीं उन्हां नूं देखने हैं, जिहड़े साडे तो दूर बैठे ने असीं उन्हां नूं देखने खां। हजूर सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे ने शब्द विच मरे हुए अखां तो बिना वेखदे ने, कन्नां तो बिना सुणदे ने। प्यारिओ, आ कन्न नहीं, इन्हां कन्नां विच बाहर दी आवाज़ पैंदी है, सचमुच वह अंदर दे सरवणां नाल सुणदे ने, मन दे कन्नां नाल। फिर बेनती है हत्थां तो बिना ते पैरां तो बिना, उंज वैसे सतगुरु ने दे अर्थ होर भी कीते ने, पै के चरण कर भाव के लोयन सुरत करे। गुरमुखो, पै के चरण वह पै पै दे पैरां नाल तुरदे ने, भावना दे हत्थां नाल काम करदे ने। आ बाहर दी नेत्र दी जोत नाम ही काम करे, सुरत नूं जोत बना के नेत्र दी इहदे नहीं वेखदे। मैं बेनती करांगा जी इहो जिहे जिउंदे जी जिहड़े मर जांदे खा। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने निचोड़ दिता है सलोकां दे विच। मैं कई वारी कहिंदा हुंदा हुणे भाई साहब कह के गए कि अमृत वेले बजुर्गां ने कहना जप जी साहिब दा पाठ करो। गुरमुखो, सच ए वे कि सिख अज भी अमृत वेले जो उठे, ठीक है गुरबाणी ते क्या उठद्या सार नाम जप, मैं फिर भी कहांगा जरा नाम जपे भला, नहीं तो उठद्या सार हर गुरसिख जिहड़ा है वह पैर मंजे तो तां थले लाए पहला जपजी साहब का पाठ जरूर, जपजी साहब का पाठ जरूर करे, क्योंकि इस पाठ विच बड़िया बरकतां ने, बड़िया रहमतां ने। हुण ये मत समझो दूजे पाठ च नहीं, मैं कई बार सोचना गुरु ग्रंथ साहब के आदि विच भी जपजी साहब की बाणी, अमृत संचार वेले पहली बाणी पंज प्यारे जपजी साहब की पढ़ते हैं, अमृत वेले नितनेम की जिहड़ी बाणी है वह भी जपजी साहब, तो देखो सुखमनी साहब आप करने हैं, पर साडे बजुर्गों ने अमृत संचार की बाणी नितनेम की बाणी क्यों बनाया। उंज सुखमनी साहब भी आप करने होर बाणियों का पाठ भी जिन्नी जिनी समर्था दे। नहीं गुरमुखो, एक हुंदा है अमृत प्रचार, एक हुंदा है अमृत संचार। जिस अंदर अमृत संचार हो जाए ना, एक बारी वह पंज चोले छकदा है पंज प्यारियां तो, सच ए वे कि गुरमुखो जिहदे अंदर अमृत का संचार हो जाए, रोज हिरदे नूं बाटा बना के, शब्द नूं खंडा बना के, रोज अंदर बाणी दे अमृत का संचार कर, नितनेम दीआं बाणियां अमृत संचार दीआं बाणियां। इहदे विच जपजी साहिब विच देखो गुरु अर्जुन देव महाराज जदों शहादत दा जाम पीता, शहादत वेले हजूर ने जपजी साहिब दा पाठ कीता, बाबा बुढ़ा साहिब जी ने चोला त्यागिया जपजी साहिब दा पाठ कीता, भाई गुरदास साहिब जी ने चोला त्यागिया जपजी साहिब दा पाठ कीता, भाई मती दास जी ते सिर ते आरा चलिया जपजी साहिब दा पाठ संपूर्ण कीता,
गुरमुखो धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने जो शहादत का जाम पीता, शहादत तो पहला सतगुरां ने जपजी साहब का पाठ किया। मैं फिर भी बेनती करना जो दिल्ली जाना सीसगंज के गुरमुखो आप जी जिन्हां थावां ते सतगुरां दे चरण पए ने दो तरीके ने दर्शन करन दे, मैं विषय तो दूर नहीं जावांगा, याद रखियो दो तरीके ने। एक हुंदा है इमारत दे तौर ते देखना, नॉलेज लैनी। असी जी केसगढ़ साहब गए, असी भोरा साहब गए, असी जी श्री दरबार साहब गए। दूजा तरीका हुंदा है जो गुरमुख दसदे आ, मैनूं ते नहीं कोई इन्ना पता कि जिस जगह ते आपां गए हाँ उस जगह ते जेड़ा वर्तारा सतगुरां ने वरताया है, दो घड़ियां सिमरन करके उन्हूं ज़ेहन विच लै के आ जाइए। याद रखियो कर आके भी चेता करांगे ते वो रस साडे अंदर बनिया रहे। ये निर्जिंद थावां नहीं, इसे करके साडे विद्वानां ने क्या कईआं ने लिखिया कि एक पासे ताजमहल है, दूजे पासे हरिमंदर है। इमारतां तो दोनों ने ना, बार मुखी मैं शब्द वरतांगा, ताजमहल एक बादशाह ने बनाया है, हरिमंदर साहब एक पातशाह ने बनाया है, पर दोनों च जमीन असमान का अंतर है। जेडे ताजमहल देखने गए होंगे, ताजमहल विच केवल मौत की खामोशी है, हरिमंदर साहब विच मरिया होया नूं जिंदगी मिलती है, उत्थे मुरदिया नूं जीवन मिलता है। सच है जी, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चो मर्ज कर रहे हैं जपजी साहब, उहदी व्याख्या संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब जी करते हैं। दूसरे पासे असी शलोक पढ़ने हैं ते सच ए वे कि पूरे गुरु ग्रंथ साहब का जिहड़ा निचोड़ है ना वह गुरु तेग बहादुर साहब का शलोक। फिर अर सुनो जपजी साहब आरंभ है, हुण शलोकां विच सतगुरु मौत की गल बड़ी कर रहे हैं ते शब्द वरत रहे हैं, जो उपजो सो बिनस कह परो आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ संगल जंजाल। शब्द वरत ने राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार, कहो नानक तिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। शब्द वरते जा रहे ने चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। मेरी बेनती है जी अखीर ते जेड़े दो श्लोक ने प्लीज वो समझो तत होर दे दिता। अखीर वाला श्लोक है राम गए रावण गए सारा नाशवंत। महाराज कहते ने जेड़े शरीरक तौर ते जान तो बाद भी नहीं जाते, शरीरक तौर ते चले गए पर फिर भी उन्हां दी हाजरी का वह कौन कह, नाम रहो साधु रहो परमेश्वर दा नाम रहेगा, उस नाम नू जपन वाला साधु रहेगा। रहो गुर गोबिंद समरत सतगुरु जी रहनगे, गोबिंद दा अर्थ धरती दा सहारा परमेश्वर, नाम रहेगा साधु रहेगा गुरु रहेगा गोबिंद रहेगा। जे गुरबाणी च झाती मार के देखो ये चार शब्द में वरते ने, ये असल च चारे वक् वक् नहीं, जदों अभेद हो जाते ने चारे सिर्फ एक ही। फिर अर्ज है अभेद हो गया किहड़े दो ने जी, आप जो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हो। एक दिन मैं सोच रहा सा भगत, ये भी मैं वीर जी के हुंदिया शायद कथा की सी, भगत विच ते भगवंत विच अंतर नहीं रहिंदा। मैं असलियत की गल कर रहा पखंडियां दी नहीं, क्योंकि कई बारी स्पिरिचुअल शब्द वरत के भी लोग दुकाना चला जाते। इत्थे बाणी विच भगत विच ते भगवंत विच कोई अंत नहीं अंतर नहीं, इत्थे संत विच ते अनंत विच कोई अंतर नहीं। भगत और भगवंत महाराज जी ने कहा दास अनन मेरो निज रूप, दर्शन नीक निमख ताप त्रय मोचन, परसत मुक्त करत ग्रह कूप। मेरा अपना रूप भगत है, जिहड़ा उहनूं स्पर्श करेगा उहदे तिन्ने तापां दा नाश हो जाएगा। महाराज जी ने फिर भी कहा संत विच ते अनंत विच कोई अंतर नहीं, संत अनंत है अंतर नहीं, भगत विच भगवंत विच संत विच अनंत विच ते गुरमुखो स्वामी विच ते सेवक विच भी कोई अंतर नहीं। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जाणो मानस देखा, जो जल तरंग उठै बहु भांति फिर सलै सरल समाएं। चौथी बेनती करदे हां सिख विच ते गुरु विच फिर कोई अंतर नहीं रहिंदा, अभेद है। मैं एक होर अर्ज़ी करां, पहला कीती होवे शायद
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਠੀਕ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਅਰਥ ਨਾ ਲਈਏ, ਸਿੱਖ ਦਰਥ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਿੱਖ ਦਰਥ ਤੁਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਪਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਖੰ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਨਿਰਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਗਤ ਔਰ ਭਗਵੰਤ, ਸੰਤ ਔਰ ਅਨੰਤ, ਸੇਵਕ ਔਰ ਸਵਾਮੀ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ। ਚੌਥੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੇ, ਪੰਜਵੀਂ ਜਨ ਅਤੇ ਹਰੀ, ਹਰ ਜਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖਾਰ, ਹਰ ਜਨ ਦੇ ਏਕ ਹੈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਛਨਾਏ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜੋ ਜਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਹੇ। ਛੇਵੀਂ ਬੇਨਤੀ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਨੇ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਛਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਮੁਕਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ 40 ਮੁਕਤੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 40 ਨੇ, ਦੂਜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 40 ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੁਕਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਦਾ ਅਰਥ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਕਿਮ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਲਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਅਬ, ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਕੀਨੀਓ। ਇਹ ਲਵ ਸੁਣਿਓ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮਾਹੇ, ਆਪ ਆਪੇ ਸੇਤੀ ਮੇਕਿਉਨ, ਜੋਤ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਅਬ, ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਕੀਨੀਓ, ਸ਼ੰਕ ਨਾ ਕਰੀਜੈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਦੀਜੈ, ਅਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਮੋਹੇ ਜੈਸੇ ਤੁਮ ਲੈਨੀਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਸਰੀਰ ਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁਕਮੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੁਕਮੀ ਕਦੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਕਦੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਰਹਿ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਮੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਭੇਦ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਮ ਰਹਿਓ, ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ, ਗੁਰਮੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ।
ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰੂ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਝ ਕਈ ਸੱਜਣ ਵੇਖੋ ਪਾਦਸ਼ੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਸਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੰਥਿਆ ਪਾਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਲੜੀਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਲੀ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤ ਜਪਿਆ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਸਾਧੂ ਰਹੇਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਹੇਗਾ ਗੁਰੂ ਰਹੇਗਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ ਜਿਹਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ ਪੂਜ ਸੁਨਾਈ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਗਿਨ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ ਨਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਇਓ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਏ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿਮਰਨ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਮਿਟਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੇ ਦਰਸ਼ ਤੁਹਾਰੋ ਕੋਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੂਰਮੇ ਮਰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸ਼ੂ ਹਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬਾਬਾ ਅਤਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੀ ਜੀਭ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰੂਰ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਤਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇਹਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗਏ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਲੋਕ ਲਾ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਫਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੋ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਪਤਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਾਹਦੀ ਬਾਬਾ ਅਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਹਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਗਤ ਝੂਠ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਾਰਨਾ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਗਤ ਝੂਠ ਪੀਂਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਰਾਗ ਚਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत शान बिखे बिखा नाल ही शब्द कहने खम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई जिन्होंने तर्क किया चुप कर गए संत महाराज उन्होंने घर गए बाबा अतर सिंह जी गुरमुख उत्थे कीर्तन होया पहला तो बंदे श्रद्धा नहीं सी जो कीर्तन विच बाबा जी ने धारणा लाई शब्द बोले एहो जिहा रंग बजा जो वाहगुरु की धुनी लाई वह बंदा उची उची फूबा मार के रोन लग संगत च खलो गया उची उची रोंदा कहिंदा महाराज जी मैं बड़ा वड्डा निंदक हाँ मैं बड़े वड्डे गुनाह किते ने तुहाडे सामने एक बेनती है मैनू बख्श दिओ ते दूजी गल मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी दे अमृत दी दात दे वो अमृत छक के भाई कृपा सिंह बनिया सी मैं आप नू बेनती करांगा सिमरन वालियां रूहां वो सच्ची मुची अंदरों जिंदगी बदल जांदियां ने क्योंकि जिहड़ा आप खांदा है ओही खर्चदा है ते जिन्ना कोई रज के खाएगा उन्ना वध तो वध खर्चेगा सतगुरु कृपा करे मेरे तो बोलदियां बहुत भुलां होईयां ने आप संगत ने बख्श देना।